इस वीडियो में आपको जबरदस्ती बेस्ट सेंस बीटी बताई जाएगी और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको मेगा की नहीं मिलेगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अरे कमीनो, बुक की बात कर रहा हूँ, बुक का नाम है मेगा। चलो तो अब बात करते हैं मेगा की कैसे लें बुक। नोटी ओरा के बहन के लौड़े हैं, नोटी ओरा। ये कहाँ फंस गया भाई, मैं भाई ये क्या हो रहा है? तो देखो लोंडो, परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अरे भाई सच में बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीके होने की वजह से परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम लोग को वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग एक मस्त सी सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके फोन में रैम कितना है कभी सोचा है? कभी सोचा है? और उसी फोन में डीपीआई कितनी है कभी सोचा है? कभी सोचा है? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और जो भी चैनल पे नया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बात करते हैं कैसे आप लोग बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना डीपीआई सेट करना होगा। जैसे कि मान लो आपके पास 2GB रैम का फोन है और आपका जो डीपीआई है वो 360 है। सिंपल सा आपको 15 DPI बढ़ा देना है। और अगर आपके पास 3GB रैम का फोन है तो जस्ट सिंपल आप लोगों को अपना डीपीआई 20 बढ़ा देना है। देन आपको गेम ओपन करना है और अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 60 या 65 रख देना है। उसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है और 2 मिनट तक प्रैक्टिस करना है और काउंट करना है कि 2 मिनट में आपने कुल कितने हेडशॉट मारे। मान लो आप लोगों ने कुछ 7 या 8 हेडशॉट मारे तो 2 मिनट में 7 या 8 हेडशॉट मामूली बात होती है। तो जस्ट सिंपली आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी 5 बढ़ा लेनी है एंड देन आपको फिर से 2 मिनट ट्राई करना है एंड फिर से काउंट करना है कि कुल कितने हेडशॉट मारे। हो सकता है कि आप लोग 15 हेडशॉट मार दो। इस तरीके से आपको हर 2-2 मिनट में चेक करना है अपनी सेंसिटिविटी 5-5 बढ़ाकर एंड जितनी सेंसिटिविटी में ज्यादा हेडशॉट लगते हैं तो सिंपली आपको उतना ही सेंसिटिविटी रखनी है। और इस वाली ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आप लोग को बार बार सेंसिटिविटी चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली और ना ही किसी भी यूट्यूबर की सेंसिटिविटी वाली वीडियोस देखने की जरूरत पड़ने वाली। लेकिन इस तरीके से सेंसिटिविटी फाइंड करने में 2 से 3 घंटा तो लग ही जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप लोग को अपना 2 से 3 घंटा वेस्ट नहीं करना है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यूट्यूब पे जाओ और आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी वाली वीडियोस देखनी है। तो मजाक को साइड रखते हुए हमारी दूसरी जो टिप्स एंड ट्रिक है वो भी बता देता हूँ। लेकिन ये जो टिप्स है वो हाई एंड डिवाइस में बहुत अच्छे से वर्क करती है। लो एंड डिवाइस वाले भाइयों अपना कुछ देख लेना। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। देखो अगर आपके पास कोई भी ट्रेंडी फोन है, लाइक आईफोन 12 है, 13 है, पोको X6 है या फिर सैमसंग S24 अल्ट्रा है या फिर कोई भी ऐसा फोन जिसे सामने वाला यूट्यूबर भी यूज करता है, सिंपली आपको उसी यूट्यूबर का सेंसिटिविटी कॉपी कर लेना है और उसी यूट्यूबर के जैसा फायर बटन का साइज भी यूज कर सकते हो और भी सेटिंग्स सेम कर सकते हो। आई नो अभी तक आप लोग क्लियर नहीं है क्योंकि हर किसी का फोन डिफरेंट होता है। सभी फोन के लिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पर मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया अपनी नूब टीम के साथ और हम सब ने मिलकर इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल दिया। क्या 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 क्या? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है गृह प्रवेश। आप मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हारे डिवाइस के लिए खतरनाक सी परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढ के दे दूंगा। अगर नहीं आ सकते तो फिर ये करो, गेम में आओ और सेंसिटिविटी को बड़ा बनाकर ट्राई करो। बॉडी नहीं सिर्फ हेडशॉट ही प्रैक्टिस करना, वो भी डिफरेंट सेंसिटिविटी में। जिस सेंसिटिविटी में सबसे ज्यादा हेडशॉट लगे उसी सेंसिटिविटी में खेलकर अपने गेम प्ले को और भी ज्यादा इंप्रूव करो। और देखो परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करना है तो थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा, फिर इसी सेंसिटिविटी से आप लोग अपनी सेटिंग को सेट कर लो। आई डोंट नो साइज से अब तो आप लोग समझ गए होंगे। और भाई लोग जाते जाते एक इम्पोर्टेंट बात, कोई भी यूट्यूबर या फिर क्रिएटर तुम्हारे डिवाइस के लिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढ के नहीं दे सकता, वो तुमको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। और जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक बताए हैं उनको फॉलो करके भी ढूंढ सकते हो। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर लेना क्योंकि आपके 1 लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।